जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल 2024 में जनवरी से दिसंबर तक कब कब कौन कौन सी अमावस्या तिथि जो है वो पड़ने वाली है। आज के वीडियो में आपको सारी जानकारी जो है वो डिटेल से मिल जाएगी, किस वार को पड़ेगी, साथ ही साथ कौन सी तारीख को पड़ेगी और कौन कौन सी अमावस्या जो है वो पड़ने वाली है साल 2024 में। आइए जान लेते हैं। अमावस्या जो तिथि होती है वो महीने में एक बार ही पड़ती है और पूरे साल में 12 अमावस्या जो है वो मनाई जाती हैं। अमावस्या, अगर मैं बात करूं सरल शब्दों में, तो अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देती है और अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है। इस दिन का भारतीय जनजीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व जो है वो बताया गया है। हर माह की अमावस्या को कोई ना कोई पर्व जो है वो अवश्य रूप से मनाया जाता है। साल 2024 में कौन कौन सी अमावस्या पड़ने वाली हैं तो आइए जान लेते हैं। जनवरी महीने में साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और जनवरी महीने में पहली जो अमावस्या तिथि है वो 11 जनवरी को दिन गुरुवार को पौष अमावस्या का व्रत जो है वो किया जाएगा। अगर मैं आरंभ की बात करूं तो 10 जनवरी को रात्रि 8:10 पर जो अमावस्या तिथि है उसका आरंभ हो रहा है और 11 जनवरी को शाम को 5:26 पर अमावस्या तिथि का जो समापन है वो हो रहा है और उदय तिथि के हिसाब से 11 जनवरी को दिन गुरुवार को पौष अमावस्या का व्रत जो है वो किया जाएगा या पौष अमावस्या जो है वो मनाई जाएगी। अगली जो अमावस्या है वो है 9 फरवरी को दिन शुक्रवार को, इसे माघ अमावस्या के नाम से जाना जाएगा और इसकी शुरुआत जो है वो 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर हो रही है और अगले दिन मतलब 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर इसका समापन हो रहा है। तो 9 फरवरी को दिन शुक्रवार को ही माघ अमावस्या जो है वो मनाई जाएगी। अगली अमावस्या जो है वो 10 मार्च को है, दिन रविवार पड़ेगा, इसे फाल्गुन अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। इसकी शुरुआत जो है वो 9 मार्च को शाम को 6:17 पर हो रही है और 10 मार्च को दोपहर 2:29 पर इसका समापन हो रहा है और उदय तिथि के हिसाब से 10 मार्च को दिन रविवार को ही फागुन अमावस्या जो है वो मनाई जाएगी। अगली जो अमावस्या है वो 8 अप्रैल को दिन सोमवार को मनाई जाएगी, इसे चैत अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। इसका जो शुरुआत है वो 8 अप्रैल को सुबह 3:21 पर हो रहा है और इसका समापन 8 अप्रैल को रात्रि को 11:50 पर होगा। अतः उदय तिथि के हिसाब से 8 अप्रैल को साल 2024 को दिन सोमवार को चैत अमावस्या जो है वो मनाई जाएगी। अगली अमावस्या 8 मई को दिन बुधवार को होगी, इसे बैसाख अमावस्या के नाम से जाना जाएगा और इसका जो समापन है वो 7 मई को सुबह 11:40 पर आरंभ होगा और 8 मई को सुबह 8:51 पर समापन होगा। इसीलिए जो अमावस्या है बैसाख अमावस्या वो 8 मई को दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। अगली अमावस्या जो है वो 6 जून को है, दिन जो है वो गुरुवार पड़ेगा, इसे ज्येष्ठ अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। इसका जो शुरुआत है वो 5 जून को ही 7:54 पर हो रहा है और 6 जून को 6:07 पर इसका समापन हो रहा है। अतः जो अमावस्या तिथि है वो 6 जून को दिन गुरुवार को ही मनाई जाएगी। अगली अमावस्या तिथि 5 जुलाई को दिन शुक्रवार को हो रही है, इसे आषाढ़ अमावस्या के नाम से जाना जाएगा और इसकी शुरुआत जो है वो 5 जुलाई को सुबह 4:57 पर होगी और 6 जुलाई को सुबह 4:26 पर इसका समापन होगा। और जो अमावस्या तिथि है आषाढ़ अमावस्या वो 5 जुलाई को दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अगली जो अमावस्या तिथि है वो 4 अगस्त को है, दिन रविवार को, इसे श्रावण अमावस्या के नाम से जाना जाएगा और अमावस्या तिथि का जो शुभारंभ है वो 3 अगस्त को दोपहर 3:40 पर हो रहा है और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 4 अगस्त को शाम को 4:42 पर होगा। इसलिए जो अमावस्या तिथि है वो 4 अगस्त को ही दिन रविवार को श्रावण अमावस्या जो है वो मनाई जाएगी। अगली अमावस्या 2 सितंबर को दिन सोमवार को होगी, इसे भाद्रपद अमावस्या के नाम से जाना जाएगा और अमावस्या तिथि का जो शुरुआत है वो 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर हो रहा है और इसका जो समापन है वो 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा।
अतः जो अमावस्या तिथि है या अमावस्या जो है भाद्रपद अमावस्या, वो 2 सितंबर को दिन सोमवार को ही मनाई जाएगी। अगली जो अमावस्या तिथि है वो 2 अक्टूबर को दिन बुधवार को अश्विन अमावस्या जो है वो मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का जो शुभारंभ है वो 1 अक्टूबर को 9:39 पर हो रहा है। 2 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पर इसका समापन हो रहा है। तो जो अमावस्या है अश्विन अमावस्या, वो 2 अक्टूबर को दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। अगली जो अमावस्या है वो 1 नवंबर को दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसे कार्तिक अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। इसका जो शुरुआत है वो 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर हो रहा है और 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर इसका समापन हो रहा है। तो जो अमावस्या है वो 1 नवंबर को दिन शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। जो अमावस्या तिथि है वो 1 दिसंबर को दिन रविवार को मार्गशीर्ष अमावस्या जो है वो मनाई जाएगी। दिन जो है वो रविवार पड़ने वाला है। अमावस्या तिथि का जो आरंभ है वो 30 नवंबर को सुबह 10:39 पर हो रहा है और इसका जो समापन है वो 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर होगा। तो जो अमावस्या तिथि है वो 1 दिसंबर को दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। इसे मार्गशीर्ष अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। साल 2024 की आखिरी जो अमावस्या है वो पौष अमावस्या, वो 30 दिसंबर को दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इसका शुरुआत जो है वो 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर हो रहा है और 31 दिसंबर को 3:56 पर अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है। तो जो अमावस्या है पौष अमावस्या, वो 30 दिसंबर को दिन सोमवार को ही मनाई जाएगी। तो साल 2024 में अमावस्या तिथियां जो हैं वो कुछ इस प्रकार से मनाई जाएंगी। यहाँ पे मैंने वार साथ ही साथ तारीखें जो हैं वो बहुत ही डिटेल से आपको दे दी हैं। शुभारंभ कब हो रहा है, समाप्त कब हो रहा है, सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबको मिल गई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।